what's up guys, welcome back to my channel Bong Vlogs. तो मैंने previous video जहाँ से ख़त्म किया उसके बाद ये continuation है उसका. तो actually मेरा तबीयत थोड़ा down है क्योंकि मेरा थोड़ा सा बुखार या जुकाम हो गया मेरा, तो इसलिए थोड़ा तबीयत down है. तो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग itinerary में कोई effect पड़ने नहीं वाला है. तो अभी हम लोग निकलेंगे, थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं. हम लोग आज ज़्यादा साइट सीन नहीं है इधर, तो उधर फोर्ट वगैरह उधर जाएंगे हम लोग, देखेंगे उधर का जो माहौल. और थोड़ा तबीयत खराब है आज, ब्लॉग थोड़ा पता नहीं कैसा होगा लेकिन कोशिश करूँगा अच्छा बनाने के लिए. तो अभी हम लोग निकलेंगे और तीन चार जो साइट सीन है वो देख के फिर हम लोग का बीच में जाने का प्लान है. तो अभी थोड़ा मैं खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, एक्चुअली उसके साथ कुछ दवाई ववाई भी ले लिया मैंने, मेडिसिन. तो अभी निकलेंगे और देखेंगे कि आसपास में क्या, मतलब उस उधर जाके आप लोगों के साथ मिलता हूँ. और तब तक अगर नहीं होता है तो मोटो व्लॉगिंग पे तो ज़रूर मिलूंगा. चलो हम लोग जाएंगे फोर्ट ओगाड़ा पे, ओगाड़ा फोर्ट उधर हम लोग जाएंगे अभी. और उसका जो लोकेशन है बहुत शानदार है, इसलिए हम लोग शाम के टाइम चुना. अभी ऑलरेडी आप देख सकते हो कि इधर 4:23 हो गया, 4:30 बजे. इधर अगर 4 बजे तक निकलते हो तो बहुत अच्छा रहता है, उसका हवा भी थोड़ा ठंडा ठंडा बहता है. तो अभी हम लोग फोर्ट ओगाड़ा के सामने आ ही गया. गोवा का सबसे अच्छा लगा इसका रास्ता साइड, खतरनाक ब्रेक किया मैंने बाइक. फाइनली हम लोग आ चुके हैं फोर्ट ओगाड़ा पे, ये मेरे पीछे देख सकते हो. तो इधर से आपको एक बार इसका सीनिक ब्यूटी आपको एक बार दिखा देता हूँ. तो फाइनली हम लोग का जो ओगाड़ा फोर्ट है वो देख लिया हम लोग. तो आप देखा ही कि इसका जो सीनिक ब्यूटी है कैसा, कितना शानदार है इसका सीनिक ब्यूटी. और ये साइड पे लेक तो देखो यार, कितना मतलब बोट खड़ा हुआ है सब, बहुत अच्छा लग रहा है देख में. तो अभी हम लोग जाएंगे पारादीप, या मतलब पारादीप बोल रहा हूँ मैं, पारा बोल के एक जगह है जहाँ पे वो डीआर जिंदगी का शूटिंग हुआ है. तो उधर हम लोग को जाना है, या कोको बीच बोल के एक बीच भी है, उधर भी हम लोग जा सकते हैं. तो अभी हम लोग जाएंगे पारा बोल के जो जगह है जहाँ पे डिजर्ट जिंदगी का शूटिंग हुआ था. तो आप लोग वो जगह देख के पता चल जाएगा कैसा है उधर का जो रास्ता है, क्योंकि वो रिसेंट जो मूवी आया था मलंग, उधर भी उसका शूटिंग हुआ है. तो आप लोग ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अगर मैं जब उधर जाऊँगा आपको दिखाऊँगा तो. और ये ओगाड़ा फोर्ट का जो मतलब लोकेशन है बहुत मतलब परफेक्ट है. अगर आप थोड़ा शाम के इस टाइम पर आओगे थोड़ा धूप भी कम रहता है, जैसे अभी 6 हो गए तो इस टाइम पे धूप भी कम रहता है और मज़ा भी आ जाएगा थोड़ा. तो दोस्तों ये रास्ता देख के आप कुछ याद आ रहा है क्या? देखो ठीक से देखो, ये रास्ता देख के कुछ याद आ रहा है क्या? मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा हूँ, देखो होगा, देखो कुछ याद आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, रू 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 ना 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 ना. यह यही है वो रास्ता, और ढूंढ के निकाला, मतलब निकाला नहीं, मैं आ गया अंदर. तो एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं था, वो भी नेट मतलब पता नहीं इधर जियो का क्या लफ रहा है, मतलब कुछ भी कोई भी नेट नहीं चलता इधर, जियो एयरटेल कुछ भी नहीं. अब इतना दिक्कत हो गया था, मतलब लोकेशन नहीं मिल रहा था, मतलब इतना दूर आया ये देखने के लिए लेकिन मिला नहीं था. तो अभी मिल गया फाइनली. तो ये है वो लोकेशन, कितना शानदार देखो.
कितना अच्छा पीसफुल एरिया है। तो चलो अभी निकलने का टाइम हो गया, इधर से शाम भी हो गया, अंधेरा भी हो गया। तो फाइनली ये मेरा एक शौक़ था कि इस रास्ते में आने के लिए, तो कंप्लीट हो चुका है। सब लोग इधर आते हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। अच्छा जगह है, मतलब इधर शूटिंग हुआ है तो एक फेमस प्लेस तो बन ही गया। तो अभी हम लोगों का कुछ बहुत भूख लग चुका है। ये जो लोकेशन में मैंने ढूंढ का है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। मतलब आप लोगों के लिए मैंने इधर आया शूट करने के लिए, तो एक वीडियो एक लाइक तो बनता है। तो चलो अभी चलते हैं वो रेस्टोरेंट में जहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएंगे और देखते हैं क्या खाना मिलता है। तो एक्चुअली जो कल मैंने वीडियो शूट किया था उसके बाद नेक्स्ट डे है, ये आज है 24th February। तो आज कल ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, इसलिए मैंने ये जो आज का जो दिन है वो जो 23rd February है उसके साथ ही अटैच कर दूंगा। तो मतलब ज़्यादा मतलब छोटा हो गया था, तो इसलिए मैं आज एक्चुअली ये रूम जो है ये चेकआउट करके हम लोग जाएंगे अंजुना के तरफ, और अंजुना में कल मतलब अंजुना में आज स्टे करेंगे और कल स्टे करेंगे कहीं और बीच के सामने। तो देखेंगे अगर अंजुना में पसंद आ जाता है तो दो दिन हम लोग अंजुना में रह सकते हैं, कुछ ठीक नहीं है। और हम लोग के पास और दो दिन है, आज 24th है और 25th है, 26th को हम लोगों को रिटर्न करना है पुणे में। तो अभी फटाफट ये रूम चेकआउट करके हम लोगों को जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं और मिलते हैं बाइक पे, चलो। तो अभी हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट था वो कर लिया, ब्रेकफास्ट में अच्छा था ब्रेकफास्ट एक्चुअली। तो मैं ज़्यादा कुछ मतलब खाया नहीं, एक चिकन सैंडविच लिया था और इसके साथ एक ऑमलेट। तो अभी हम लोगों का जाने का प्लान है अंजुना में, उधर दो तीन होटल हम लोग ढूंढ के देखे मतलब देख लिया। अभी उधर जाके एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा वाला अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने अंजुना पे चेक किया तो थोड़ा खाली है, क्योंकि उतना रश नहीं है जितना बागा कलंगूटा पे था। तो शायद उधर रूम जल्दी मिल जाएगा, पता नहीं क्या होगा, नसीब ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो चलो, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कि अंजुना बीच के सामने, और हमने जो प्रॉपर्टी चूज़ किए है वो का ओयो का है और इसका नाम है कार्लिस जुलू लैंड। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत बाद में आपको एक बार टूर कराऊंगा इसका जो पूरा प्रॉपर्टी है इसका। तो अभी हम लोग इधर पहुंचे हैं, थोड़ा इधर शेक वेक हम लोग खाए और ये शेक किटकैट शेक। तो अभी हम लोग थोड़ा बीच में जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि इतना दिन इधर गोवा में आया और उसके बाद नहाया नहीं, तो ये थोड़ा नहीं बनता। तो अभी हम लोग जाएंगे, तो ये देखो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है इसके, और तो अभी जाएंगे हम लोग और देखते हैं उधर कि उसका जो मतलब बीच का जो माहौल है कैसा है। तो चलो चलते हैं। Do you ever feel you don't get out what you're putting in? All your hopes and efforts are all in vain. You up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding ring? Another way, there must be conscience, different things.
next. तो आज है 25 फरवरी और मैंने एक्चुअली जो कल जहाँ पे मैंने वीडियो देखा, मैंने समुंदर पे नहाने के लिए जा रहा हूँ मैं, उसके बाद मैंने ऑलरेडी वीडियो देख लिया कि कैसे मैंने उधर एंजॉय किया था. उसके बाद मैं घर आ गया. घर आने के बाद मतलब बहुत टायर्ड हो चुका था. लंच करके मैंने सो गया था और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया था. और रात को हम लोग इधर कर्लिस बोल के जो शैक्स रहता है, बहुत रिनाउंड एक जगह जहाँ पे रात को रेप पार्टी भी होता है, तो उधर हम लोग गए थे जाके. मतलब बहुत मौज मस्ती किए और खाना बहुत सही था उधर. आने के बाद फिर हम लोग इधर सो गए थे और आज सुबह हम लोग को किसी दूसरा लोकेशन पे जाना था, तो हम लोग सोचा कि इधर ही रुक जाते हैं. तो एक्चुअली तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए ये वीडियो इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो शायद नहीं आएगा. और मतलब आज का जो आज मतलब 25 फरवरी का जो वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, उसमें कुछ मैं मार्केटिंग वगैरह जाऊँगा, उधर कुछ शॉपिंग करने का प्लान है. तो अगर कुछ होता है तो मैं जो मतलब गोवा से पुणे लौटने का जो वीडियो होगा उधर ज़रूर डाल दूँगा. तो आज के लिए मैं ये वीडियो इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. चलो बाय बाय.